जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। आज की इस कथा में महाराज जी के एक पुराने भक्त श्री नंदा वल्लभ जोशी की ऐसी ही दुर्दशा की याद आ गई। नंदा वल्लभ जोशी जी एलएलबी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनकी फाइनल परीक्षा से कुछ दिन पूर्व महाराज जी लखनऊ आ गए। सदा की भांति नंदा वल्लभ जी महाराज जी के साथ चार दिन सुबह शाम दिन रात लगे रहे उनकी सेवा में, और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी। एक दिन महाराज जी उनके घर बिना बुलाए पहुंच गए तो उन्हें देख के नंदा वल्लभ जी रोने लगे। दया निधान ने उनसे पूछा, क्यों, फाइनल की परीक्षा है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी? बाबा जी ने उनकी डांट लगाई और कहा, तब क्यों हमारे पीछे भागता रहा, पढ़ा क्यों नहीं? क्या उत्तर देते नंदा वल्लभ जी? केवल आंसू बहाते रहे। तब गुरुदेव करुणा निधान ने कहा, अच्छा ला, कहाँ है तेरी किताबें, कलम भी साथ में लाना। नंदा वल्लभ जी 9-10 मोटी मोटी कानून की किताबें महाराज जी के सामने ले आए और साथ में एक नीली पेन भी ले आए। महाराज जी एक एक पुस्तक उठाते, उनके पन्ने पलटते और उन पर निशान लगाते रहते और फिर बिना कुछ कहे वहां से प्रस्थान कर गए। अब नंदा वल्लभ जी ने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को याद किया और फर्स्ट क्लास पास हुए। जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा।